स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि किसी भी कंपनी के समापन के लिए कंपनी समापक की नियुक्ति, कंपनी लिक्विडेटर की नियुक्ति की जाती है। लेकिन कंपनी लिक्विडेटर की नियुक्ति के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण काम लिक्विडेटर का यह होता है कि उसको न्यायालय में नियुक्ति आदेश के 3 सप्ताह के अंदर एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है। इस आशय की एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है कि कंपनी की समापन की प्रक्रिया को स्मूथली चलाने के लिए कंपनी की वाइंडिंग अप कमेटी, समापन समिति का गठन किया जाए। तो समापन समिति का गठन न्यायालय की देखरेख में किया जाता है और वो समापन समिति कंपनी के समापन की कार्यवाही को स्मूथली और नियमानुसार रूल्स को कंप्लायंस करते हुए करे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए गठित की जाती है। तो कंपनी समापक यानी कंपनी लिक्विडेटर कंपनी के समापन के लिए समिति या लिक्विडेशन कमेटी या वाइंडिंग कमेटी का गठन करने के लिए एप्लीकेशन फाइल करता है। कंपनी के समापन समिति के अंदर मुख्य रूप से 3 पक्षकार होते हैं, 3 आदमी समिति में होते हैं मुख्य रूप से। पहला तो ऑफिशियल लिक्विडेटर जो कि कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, दूसरा क्रेडिटर्स का कोई नॉमिनी, लेनदारों का नामांकित व्यक्ति, और तीसरा प्रोफेशनल होता है जो कि कोर्ट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। वो प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है या कंपनी सेक्रेटरी भी हो सकता है या ICW भी हो सकता है, कोई भी प्रोफेशनल व्यक्ति जो है कमेटी का मेंबर होंगे। तो 3 आदमी मिलकर समापन समिति का निर्माण करते हैं। समापन समिति का मुख्य जो कार्यक्षेत्र होता है उसके अंदर सारी प्रॉपर्टी जो कंपनी की होती है जिसको समाप्त किया जाना है, उस कंपनी की प्रॉपर्टी पर कंट्रोल स्थापित करने का काम होता है। वो कंपनी संपत्तियों पर कंट्रोल रखती है। इसके अलावा कंपनी की परफॉर्मेंस को एग्जामिन करते हैं वो तीनों कमेटी मेंबर्स मिलके, और कंपनी की परफॉर्मेंस को एग्जामिन करते हैं। इसके अलावा संपत्तियों और देनदारों से वसूली का काम करते हैं। रिकवरी लेनी है या कोई प्रॉपर्टी सेल आउट करनी है या डेटर्स से कोई पेमेंट रिसीव करना है, तो ये समापन समिति का एक महत्वपूर्ण काम होता है। समापन समिति इस काम को करती है। इसके अलावा कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट कराने का काम करती है कंपनी, उनका रिव्यू करवाती है। इसके अलावा प्रॉपर्टी को बेचने का काम करती है। इसके अलावा क्रेडिटर्स और कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट का बनाती है समिति कि कितने कंट्रीब्यूटर्स हैं और कितने क्रेडिटर्स हैं जिनको पेमेंट किया जाना है। इसके अलावा केसेस के डिस्पोजल, जो पेमेंट चुकाना है उनके केसेस का डिस्पोजल करती है। उसमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है तो कंप्रोमाइज करती है, या उन क्लेम्स को रिजेक्ट करना पड़ता है तो रिजेक्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर कंपनी ने कोई डिविडेंड का पेमेंट नहीं किया है तो डिविडेंड का पेमेंट इंश्योर करने के कार्य करती है, और अन्य कोई कार्य जो कि कोर्ट ऑर्डर देता है वो सब समिति करती है। तो समिति बेसिकली जो भी वाइंडिंग अप से पहले जो काम किए जाने होते हैं या कंपनी के डिसोल्यूशन से पहले जो काम किए जाने होते हैं वो सब कामों को कार्य करती है। इसका जो पर्पज होता है समापन समिति का बनाने का, वो महत्वपूर्ण पर्पज ये होता है कि ताकि कंपनी की समापन की प्रक्रिया निर्बाध रूप से नियमानुसार बाय लॉज लॉ का कंप्लाइंस करते हुए चलती रहे, किसी तरह का व्यवधान उसमें उत्पन्न नहीं हो। और इस समापन समिति की हर महीने मासिक रिपोर्ट जाती है, यानी कहने का तात्पर्य ऑफिशियल लिक्विडेटर की ड्यूटी है कि हर महीने मीटिंग आयोजित करे समापन समिति की, और विभिन्न इश्यूज पे जो कंपनी के समापन से संबंधित महत्वपूर्ण इश्यूज हैं उनको विचार विमर्श के रखे रहे, उनके मिनट्स तैयार करे, और मिनट्स तैयार करके की गई कार्यवाही से कोर्ट को अवगत कराता है। कोर्ट को अवगत कराना पड़ेगा कि हर महीने इस वाइंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई है, इस मीटिंग के अंदर ये निर्णय प्रस्तावित किए गए हैं और इन निर्णय पर इस तरह से विचार विमर्श हुआ और इन निर्णय के पश्चात ये निर्णय लिए गए, उनसे कोर्ट को अवगत कराने की ड्यूटी भी ऑफिशियल रिसीवर की होती है। तो हर मंथली मीटिंग उनको वाइंडिंग अप कमेटी की करनी पड़ती है, और उस वाइंडिंग अप कमेटी की रिपोर्ट्स मंथली मासिक प्रोग्रेस से कोर्ट को अवगत कराना पड़ता है। इसके अतिरिक्त जब वाइंडिंग अप प्रोसेस चल रही होती है और उसके बाद में डेटर्स से रिकवरी और क्रेडिटर्स को पेमेंट किया जा चुका था, संपत्ति को सेल आउट कर दिया जा चुका, और मान लीजिए कंपनी को भंग करने के लिए कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़े, तो ऐसी स्थिति में समापन समिति अपनी फाइनल रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश करती है कि कंपनी के परफॉर्मेंस का रिव्यू करने के पश्चात, उसके अकाउंट्स का रिव्यू करने के पश्चात, प्रॉपर्टी को सेल आउट करने के पश्चात, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के पश्चात, अगर
कंपनी का समापन करना उचित है या नहीं उचित है, या उसके पीछे उचित है तो क्या लॉजिक है, किन कारणों से कंपनी का समापन किया जाना उचित है, उसके बारे में फाइनल रिपोर्ट वाइंडिंग कमेटी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करती है, कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करती है। कोर्ट उस रिपोर्ट्स का अध्ययन करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, उसको रिव्यू करता है और अन्य कई पहलुओं पर विचार करके, कानूनी पहलुओं पर, लीगल एस्पेक्ट से विचार करके कोर्ट चाहे तो कंपनी के डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास कर सकता है, चाहे तो डिसोल्यूशन के ऑर्डर के लिए मना कर सकता है या स्थगित कर सकता है। ये न्यायालय पे विवेकाधिकार पे है कि न्यायालय उस कंपनी के समापन के लिए, भंग करने के लिए, डिसोल्यूशन के लिए ऑर्डर पास करे या नहीं करे, जो भी फर्दर कोर्ट अपने डिस्क्रिशन से ऑर्डर पास कर सकता है। तो ये मैंने वाइंडिंग अप कमेटी के बारे में बताया कि कंपनी के वाइंडिंग अप कमेटी क्या होती है और उसके क्या कार्य होते हैं। स्टूडेंट इसको वाइंडिंग अप प्रोसेस का एक हिस्सा मान के इसको पढ़ना चाहिए। थैंक यू।